पाए धो के पाए चलाने का करते हैं। ये है हमारी बैठक। आज छुट्टी के दिन बन रहे हैं हमारे यहाँ मसाले। और ये देखिए अम्मी मसाले बना रही है, और मैं आज आपसे मसालों की वीडियो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला सून, और छोटे के पाए और राइस की भी। ये मसाला मेरी दादी जान बनाती थी, तो अम्मी जय भी दादी जान के साथ बनाती थी, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मसाला होता है खाने के ऊपर डाल के खाने के लिए। और आज हमारे यहाँ पे मौसम बहुत सुहाना है, हल्की हल्की फुहार हो रही है, और साथ ही साथ ये वीडियोस और सब्जियों के भी फन हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या चल रहा है अम्मी जान? अभी इसे मसाला भून के मसाला बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसे मसाला बना रही है। मसाला खुशबू वाला मसाला होगा तो सालन के ऊपर डालने में जायका अच्छा आएगा। माशाल्लाह। ये है साबुत धनिया। ये साबुत धनिया कितना उसको खुशबू कितना अच्छा आता है माशाल्लाह। ये साबुत धनिया है, और ये जीरा है, सूफ़ जीरा। हाँ, और ये माशाल्लाह सारी खुशबूदार चीज़ें हैं, और ये साबुत लाल मिर्च है। हाँ। इसके साउंड सुनो, बारिश कैसी हो रही है। ये साबुत धनिया है जिसको मैं भून लूँगी। बिस्मिल्लाह। मेक श्योर आपके हाथ धुले हुए हों। हम जस्ट चेकिंग। आज आपने नॉर्मल रखी है? हाँ, इतनी तेज नहीं रखी है। माशाल्लाह से ये अब भून सा गया, इसका कलर चेंज हो गया और खुशबू आ रही है, तो ये इसकी निशानियां हैं कि अब ये रेडी हो गया। आ गया है जीरा, सफेद जीरा। इसको भी भून लेंगे, और जब इसकी भी रंग बदलेगा खुशबू आएगी तो उसको उतार लेंगे। आ रही है खुशबू और रंग बदल चुका है माशाल्लाह। अब इसको भी क्या बोला था हमने, उसको भी साबुत धनिया की तरह इसमें ऐड कर देंगे। और बाप रे, अब आ गई मेरी फेवरेट मिर्चें। वही मिर्चों के मामले में तो जब भी ये भूनती हैं तो मुझे जो है इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और जो इनकी स्मेल से जो मज़े आते हैं वो मैं, मेरे मुंह में अभी से पानी आने लग गए, और नाक में अभी से महसूस आज भी बढ़ गए हैं। बड़ा जल्दा जल्दी भुना जाती हैं, और अब हमें चलाना पड़ेगा एग्जॉस्ट। और ये पकने के बाद अम्मी इनको हम काला करेंगे या फिर डार्क करेंगे? इसे हल्का सा भून लेंगे बस। अब
जबरदस्त खुशबू है, फैलनी शुरू हो गई है माशाल्लाह। ये डार्क हो गई है और अब मैंने उसी मसाले में ऐड कर दिया। वीडियो बंद करके बाहर जरा दरवाजा खोल दो। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी कि माशाल्लाह से तमाम सर मसालों को भून लिया है और इसको पीस के हम रख लेंगे और खानों के ऊपर डालने के बड़ा मज़ा आता है इसको डाल के खाने में। माशाल्लाह से अब जो है वो शाम भी होती चली जा रही है और मसाले भी भून रहे हैं, इसलिए हम तैयार हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है। चले मैं आपको थोड़ी धूप भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से शाम का वक्त होने जा रहा है और सूरज जो है बहुत ज़बरदस्त इस वक्त निकल आया है और मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ नज़ारा अपने कमरे की खिड़की से। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो मसाला है मैं आपको बताती चलूँ कि हम इसे एक मिक्सी टाइप मशीन आती है उसमें पीसेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुझे अभी टेक्स्टिंग आ रही थी कि मसाले की रेसिपी दें उसे कैसे पीसते हैं करते हैं। तो ये सील बट्टे पे आपकी मर्जी, अगर आप पीसना चाहें पीस सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर कोई मिक्सी हो तो उसमें पीस लें, क्योंकि सील बट्टे का मसाले की में जो पीसे जाते हैं वो अलग उनकी वो होता है कि वो कैसे बने और किस तरह मसाला हो। तो चलिए चल के देखते हैं अम्मी से मिक्सी में कैसे। आपको कोई भी बेसिक मिक्सी आप ले सकते हैं, आप चाहे बेरिया में, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, नेपाल में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी हो, कोई भी मिक्सी मसाला पीसने वाली, सादा मसाला पीसने वाली मिक्सी आप यूज़ कर सकते हैं। सील बट्टे में भी पीस सकते हैं, मिक्सी में भी पीस सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। और ये अब हमने इसको उसमें डालकर पीस लेंगी। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह, एक मिर्ची बाकी है। एक मिर्ची के अलावा बाकी सब पिस गए हैं, तो उस मिर्ची को भी पीस लेते हैं। जबरदस्त, तो मिर्ची भी पिसा गई है। हाँ ये देखें, बिस्मिल्लाह। मैं आपको बताती चलो, जो नए वॉचिंग कर रहे हैं अभी हमारा है, हमने रिसेंटली मूविंग की है न्यू होम में और अभी भी काफ़ी चीज़ें सेटिंग के लिए बाकी हैं। तो आज हम आपको मसाला बन पीसना बता रहे हैं जो किसी भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं खानों में। और ये मसाला थोड़ा सा लेके उस खाने की डिश पे कैसे गर्मा गर्म हो रहा है इसे डाल लीजिए। ओहो क्या जायका आता है माशाल्लाह, खुशबू बहुत अच्छी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेरिया लाइफ। अल्लाह हाफिज़।